सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में हम बात करेंगे इसके Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 12.5.4.0 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, कि गाइज आप लोग को डायरेक्ट MIUI 13 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा या फिर उससे पहले एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि अगर एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो उस अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ नई फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, अगर आप भी हैं Redmi 9 Prime डिवाइस के यूजर्स तो आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है सो गाइस आप लोगों को ना लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, अब वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना तो सबसे पहले हम वहीं पे इन्फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को वीडियो बना के या डिटेल में इन्फॉर्म करते हैं। सो गाइस, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 12.5.4.0 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस अभी जो प्रेजेंट में Redmi 9 Prime डिवाइस में जो अपडेट रन कर रहा है जिसका वर्जन है MIUI 12.5.3.0 का। सो गाइस, ये अपडेट में ना आप लोगों को मालूम होगा कि एक नॉर्मल सा चेंजेस देखने के लिए मिला था, क्योंकि गाइस ये जो अपडेट है एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का अपडेट है। सो गाइस, इसी वजह से आप लोग को डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहेंस करने के बाद आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू था उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। सो गाइस, अगर हम बात कर लें कि MIUI 12.5.4.0 के अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, अगर बात करें तो ये भी गाइस जो अपडेट होने वाला है ना वो गाइस आप लोगों को सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स ही अपडेट होने वाला है। सो गाइस, ये इसमें भी ना वही कुछ सारे चेंजेस हैं जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आप लोगों को MIUI 12.5.3.0 के अपडेट में चेंजेस देखने के लिए मिला था। गाइस, आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये कुछ नॉर्मल से चेंजेस हैं जो कि नॉर्मल से सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट में देखने के लिए मिलता है, जो कि गाइस आप लोगों को हो सकता है जिसका वर्जन देखने के लिए मिल सकता है MIUI 12.5.4.0 का, या फिर यार MIUI 12.5.5.0 का भी देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, अगर बात करें ये अपडेट के फाइल साइज के बारे में तो ये अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को मीडियम में ही देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को फाइल साइज ना 500 MB के अंडर में ही देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि ये अपडेट आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अप्रैल महीना के एंड वीक तक आप लोगों को ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब एक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलता है ना गाइस वो ना यार ज़्यादातर जो अपडेट देखने के लिए मिलता है वो मंथ के एंड वीक में ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, आप लोगों को ना मंथ के एंड में ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस ये अपडेट में ना काफ़ी सारा न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल रहा है एंड गाइस यहाँ पे ना यूजर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे ना सेकेंड लिस्ट में तो बहुत ही कम चांस है कि Redmi 9 Prime डिवाइस का नाम आने का। सो गाइस, आप लोग को हो सकता है कि थर्ड लिस्ट जो है उसमें Redmi 9 Prime का नाम देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, आप लोग को ना मे बी गाइस कि अगस्त से सितंबर तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, ये कोई कन्फर्म नहीं है, मे बी हो सकता है कि आप लोग को अगस्त से सितंबर तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। यार गाइस, Redmi 9 Prime में MIUI 13 के रिगार्डिंग ना कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो गाइस आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। एंड गाइस, इसी के साथ में अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो गाइस आप लोग को ना लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।